ये देखें, ये आप देख सकते हैं फोम कितना मज़े का बना है। मैं आपके सामने बर्तन धो रही हूँ लाइव रिजल्ट के साथ। ये देखें, ये देखें साफ सुथरा हो गया। ये अब आप देखें, साफ़ सुथरी हो गई है प्लेट। उसी के साथ, उसी का मैंने अलग से कोई कुछ भी नहीं लिया। वॉशरूम क्लीन करें, आप इसे टाइल साफ करें, आपका ऑल पर्पस क्लीनर जस्ट 120 रुपीज़ में रेडी हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। आज हम लोग बनाने वाले हैं बर्तनों का डिश वॉशर। तो वो आप क्या करेंगे, उससे आप वॉशरूम भी क्लीन कर सकते हैं, उससे आप टाइल्स भी क्लीन कर सकते हैं, उससे आप बर्तन भी धो सकते हैं, अगर नीज कोई भी आप लोग काम कर सकते हैं। और आराम से 150 रुपये के अंदर अंदर आप लोगों का महीने भर का जो है डिश वॉश लिक्विड रेडी हो जाएगा। ये मल्टीपर्पज़ है, ठीक है, कोई भी आप इससे को कर सकते हैं। हमें तकरीबन 800-900 ग्राम के बराबर हमें पानी चाहिए होगा, लेकिन इस पानी को मैं गर्म करूँगी, बिकॉज़ जब गर्म पानी होता है तो अच्छे से उसमें चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, मिक्सिंग करने में आसानी होती है। तो मेक श्योर कि आप जो भी पानी लें वो गर्म होना चाहिए। तो मैं पहले इसको किसी सॉस पैन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि मैं इसको गर्म कर लूँ। गर्म करने के बाद मैं आपको फर्दर प्रोसीजर बताऊँगी। पानी हमारा हो चुका है नीम गर्म, ये देख सकते हैं, ठीक है। इस फेज़ में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे कास्टिक सोडा, ठीक है। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बनाता है, कोई पहले काला तेल डाल देता है, फिर शैम्पू बेस डाल देता है, फिर कास्टिक सोडा डालता है। बट कास्टिक सोडा मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज़ वो एक ज़िंदा तेज़ाब होता है। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम डालने के बाद उसको छोड़ देंगे कि जो उसकी तासीर है वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है, बिकॉज़ ताकि वो आपके हाथों को डैमेज ना करे, ख़राब ना करे। तो ये तकरीबन टीस्पून के बराबर, ये बग़ैर पिसी हुई मैं डाल रही हूँ, ठीक है, ये देखें, बग़ैर पिसी हुई मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने डाली तो ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट होगी, तो ये स्ट्रॉन्ग है। बट मेक श्योर कि आप लोग ग्लव्स वगैरह पहन लिया करें अगर आपके पास हैं। बनाने का तरीका तो हर कोई सिखाता है कि यूँ कर लें, यूँ करें, यूँ कर लें, बट इसके प्रिकॉशंस कोई नहीं बताता कि भाई आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। और इन केस अगर आपको बाद में फिर पता लगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा कम क्वांटिटी से स्टार्ट करें, जब आप इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए बनाने में फिर आप लोग जो है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करके कर सकते हैं। तो ये इसको मैं 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, इसलिए कि जो भी इसके हम लोगों ने इसमें कास्टिक सोडा डाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़िंदा तेज़ाब होता है, ताकि वो उसकी जो खासियत है या जो भी हम इसको कहेंगे वो थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा जो हार्शनेस है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, 10-12 मिनट गुजरने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून काला तेल, ठीक है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है काला तेल, हमेशा मैं आपको कहती हाथ बचा के, बिकॉज़ ये चीज़ें स्ट्रांग होती हैं और हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसका सारा काम मिक्सिंग का है, जितना अच्छे से मिक्स होगा ना ये चीज़ें अच्छे से डिसॉल्व होंगी, यकजान हो जाएंगी, ठीक है। सारा काम इसमें मिक्सिंग का आ गया, मिक्स करते जाना है, तो इसलिए इन चीज़ों के लिए पेशेंस रखें। और ये आपके बर्तनों को चमका के रख देगा, जितने भी काले बर्तन हैं, किसी किस्म के भी बर्तन हैं, टाइल्स हैं, वॉशरूम्स के टाइल्स हो गए, फ्लोर हो गया, इस सब को क्लीन करेगा। इवन के आप लोग इसको यानी कालीन वगैरह धोने के काम भी आता है, और सारी मैल उसकी अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप चाहे तो इसको हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि चम्मच से करें तो ज़्यादा वेल एंड गुड। लाइक
इसके अलावा देखें इसमें थोड़ा थोड़ा झाग बनना स्टार्ट हो गया, नाउ यू कैन सी। ठीक है, इसमें जो हम थर्ड चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसकी भी मिक्सिंग करनी है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। थर्ड में हम इसमें डालेंगे शैम्पू बेस। ये चीज़ें अगर कुछ यहाँ पे लग भी गई है ना तो परेशान नहीं होना, बिकॉज अभी हम स्टिल मिक्सिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोना ऐड शैम्पू का बेस। शैम्पू का बेस भी इसी तरह 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर हम लोग इसमें ऐड करेंगे, इसकी थिकनेस के लिए और इस झाग के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ईजली पंसार से मिल जाएंगी, बट इफ़ यू कैन फील कि भाई ये थोड़ा सा थिक है, आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर बट मेक श्योर कि गर्म पानी डालें। वो इसलिए गर्म पानी डालें कि वो अच्छे से जो है आपस में यकजान हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, किसी किस्म के कोई लम्स या कोई इसके अपने पार्टिकल्स ना रहें। तो हम आराम आराम से इसको हिलाते जाएंगे जब तक कि अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए। ठीक है, और ये कमर्शियल तरीके से आप लोगों का ये तैयार होगा। आप लोग अगर अपना बिजनेस भी करना चाहें, इसको सेल आउट करना चाहें, तो भी आप लोग कर सकते हैं। और इतना अच्छा डिश वॉश आप लोगों का तैयार हो जाएगा घर में ही, क्योंकि देखिए जो बाहर से मिलता है वो 150-200 की 1 लीटर की बॉटल जो है हमें मिलती है। ठीक है, और ये घर में ही तकरीबन 250-300 का तो अब हो गया। हाँ, तो ये आपका समझो अभी जो जो चीज़ें मैं लेकर आई थी मुझे तकरीबन 150 का कॉस्ट पड़ा था या 120 का कॉस्ट पड़ा था। ठीक है, और अब इसमें मैं समझो अभी क्योंकि मैंने और पानी इसमें ऐड करना है, अभी तो मैं इसको तैयार कर रही हूँ, तो आराम से 1.5 लीटर आप लोगों का रेडी हो जाता है। और ये ऑल पर्पस है तो बाकी चीज़ों में भी काम आएगा। आप ये देखिए डिज़ोल्व नहीं हो रहा, इसलिए परेशान नहीं होना, ये मिक्सिंग बहुत टाइम लेता है और जितना जितना मिक्स करते जाएंगे तो ये थिक होता जाएगा। इसमें एक और चीज़ भी हम ऐड करेंगे, अभी तो चीज़ें और भी जानी हैं, बट ये है कि पहले ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, फिर मैं इसमें फर्दर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छा, ये भी मिक्सिंग का प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया था, अब मैंने फिर इसको हिलाना स्टार्ट कर दिया। पेशेंस रखना है क्योंकि ये 4-5 घंटे का प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है आप लोगों ने, कि वो तो फर्दर दिखा देते हैं कि 10-15 मिनट यू करना है। नहीं, अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से सही तरीके से बनाना है तो ये देखिए थोड़ी सी थिकनेस भी इसकी स्टार्ट हो गई, नाउ यू कैन सी। क्योंकि ये फ्लैट चम्मच है तो इसमें इतना नहीं शो हो रहा आप लोगों को, तो ये फर्दर जो है मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखें अच्छी सी फोम भी बनना स्टार्ट हो गई है, राइट। अच्छा जी, मिक्स 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 इस फॉर्म पे, इस फेज में आके, बिकॉज अभी हमने और भी मिक्सिंग करनी है, तो आप लोगों ने इस चीज़ पे घबराना नहीं ना। आई एम गोना ऐड सॉल्ट। सॉल्ट क्यों डाल रहे हैं? सॉल्ट हम लोग इसलिए थोड़ा सा डाल रहे हैं, ये थिकनेस का काम करेगा। जितना जितना आप इसको मिक्स करते जाएंगे, एक कहते हैं केडी, एक होता है सॉल्ट, ये सॉल्ट आपको थिकनेस का काम देगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये आराम आराम से ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा और गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं शैम्पू बेस और काला तेल ये मैं और ऐड कर दूँगी। ठीक है, और इसमें चाहे तो कोई भी आप कलर डाल सकते हैं। कलरिंग के लिए मैं बस पिंच फूड कलर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, बस मुझे थोड़ा सा कलर चाहिए, वो लेमन लेमन सा। आपने ग्रीन डालना है, रेड डालना है, दीज आर ऑप्शनल। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बस ये खूबसूरत सा एक कलर आ गया, जैसे बंदे को फील होता है ना कि मार्केट वाला टच दे रहा है। ये देखिए, अभी भी हम इसको मिक्स करते रहेंगे, सारा काम इसमें मिक्सिंग का है, मैंने आपको बताया था। मिक्सिंग करने के बाद मैं 4-5 घंटे के लिए इसको छोड़ूंगी, और फिर मैं 4-5 घंटे के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर बताऊँगी, ताकि ये थिक होता रहे, ये खुद ब खुद ही थिक होता रहेगा।
ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। ऑल पर्पस क्लीनर आपका तैयार है अच्छे से। और ये देखें थिकनेस, देखें आप लोग इसकी। आप इससे बर्तन धोएं, आप इससे डिश के साफ करें, आप इससे वॉशरूम क्लीन करें, आप इससे टाइल साफ करें, आपका ऑल पर्पस क्लीनर जस्ट 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 120 रुपीज़ में रेडी हो गया है। मार्केट से इतना महंगा मिलता है, लेकिन आप इसको अपने घर में ही बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको ईजली पंसार से मिल जाएंगी। और झाग देखे कितने मज़े की इसकी फोम आई है। ऑलमोस्ट हमारा ये रेडी हो चुका है, ये देख सकते कितने मज़े की झाग। और अगर मैं आपको थिकनेस इसकी दिखाऊं, ये देखें थिकनेस बहुत अच्छी है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए मज़ेदार किस्म का हमारा मार्केट वाला डिश वॉशर रेडी हो चुका है। ये भी गर्म है तो हम इसको ठंडा होने देंगे। हमारा ये तैयार हो चुका है, लेकिन मैं इस तरह का कप ले रही बिकॉज मेरा जिससे मैं ऑयल वगैरह ट्रांसफ़र करती वो मिल नहीं रहा, तो मैं इसके थ्रू डालूंगी। ठीक है, ये देखें थिकनेस देख रहे हैं आप लोग, और किसी किस्म का लम्स कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और 120 रुपीज़ के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपके महीने भर का डिश वॉशर रेडी हो गया। ठीक है, ऑल पर्पज़ क्लीनर। और जब भी आप इसको यूज़ करें, बिकॉज़ ये थिक बहुत है, आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया करें, क्योंकि हम लोगों ने अपने स्किन का ध्यान भी रखना है। ठीक है, अपने हाथों का भी ध्यान रखना है, तो आप लोगों ने हमेशा या तो ग्लव्स वेयर किया करें। ठीक है, वन एवर यू वॉश द क्लोथ्स और बर्तन वर्तन वट एवर यू वॉन्ट और जो भी कर रहे हैं, बट मेक श्योर कि आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें बिकॉज ऑफ द थिकनेस, क्योंकि ये भी गर्म है। जैसे जैसे ठंडा होगा ये और फर्दर थिक होता जाएगा। तो मैं सारे इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो जनाब हमारे महीने भर का डिश वॉशर रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल मार्केट वाला लग रहा है। आप इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं कर सकते कि ये घर में बना है या बाहर से। इसकी थिकनेस चेक करें, ये देखें, ये देखें। उसमें ऑलरेडी जो बच गया था ना, मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ और इसी को यूज़ करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, मैंने हल्का सा स्पंज गीला किया, ये देखें। आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसी से आपको सारे बर्तन धो के दिखा रही हूँ, ये देखें। मैं कोई एक्स्ट्रा लिक्विड और कुछ भी नहीं लिया, लाइव रिजल्ट के साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें कितना मज़े का जो है हमारा डिश वॉश, कितना अच्छा फोम बन रहा है आपके सामने। ये चीज़ें मैंने कोई अलग से जो है वो नहीं लिया, अपना जो है फर्दर जो बीच में उसमें पड़ा हुआ था ना, अभी भी इसमें बहुत सारा है। ये देखें, ये देखें, ये आप देख सकते हैं फोम कितना मज़े का बना है। मैं आपके सामने बर्तन धो रही हूँ लाइव रिज़ल्ट के साथ। ये देखिए, ये देखिए साफ सुथरा हो गया। अब आप देखें ये देखिए साफ सुथरी हो गई है प्लेट, उसी के साथ, उसी का मैंने अलग से कोई कुछ भी नहीं लिया। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूँ आप लोगों के सामने, अभी भी वही चल रहा है। मैंने कोई इसमें अलग से नहीं लगाया, मैं इसलिए आप लोगों के सामने क्लीनिंग कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को
इसका लाइव रिजल्ट मिलेगा। ये देखो पक्का।